हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनएसबी पिक्चर्स। आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं लाइटरूम मोबाइल के बारे में। लाइटरूम मोबाइल आप सभी लोग यूज करते होंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे फीचर्स बताऊंगा लाइटरूम मोबाइल के, जो बहुत ही यूजफुल होंगे आपकी फोटो एडिटिंग में, एंड आपकी एडिटिंग इससे काफी अच्छी इंप्रूव हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो टिप नंबर 1, लाइटरूम के अंदर आप लाइटरूम के प्रीसेट्स यूज़ करते होंगे। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत यूज़ करता था, लेकिन प्रीसेट जब आप डाउनलोड करते हो ना, वो आपकी गैलरी में कहीं खो जाते हैं। एक तो आपको उसका प्रीव्यू भी नहीं दिखता है, एंड दूसरा आपको उसकी लोकेशन का भी पता नहीं रहता है कहाँ पे आपने वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। लेकिन लाइटरूम के अंदर बहुत ही कमाल की एक चीज़ है, अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते तो आपके फोन के अंदर जो भी सारे लाइटरूम के प्रीसेट्स होंगे, जो भी DNG फाइल्स होंगी, वो ऑटोमेटिकली लाइटरूम मोबाइल के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी लाइटरूम के अंदर अपनी फोटो को आप इंपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारे DNG प्रीसेट्स दिख जाएंगे, एंड वहाँ से आप उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप प्रेफरेंसेस के अंदर जाके इनेबल ऑटो ऐड को अगर ऑन करते हैं, तो आपकी फोटोज ऑटोमेटिकली लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। आप चाहते हैं यहाँ से सिर्फ रॉ इमेजेस को ऐड कर सकते हो, इससे हो गई कि जो भी आप DNG प्रीसेट्स डाउनलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। एंड इवन आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ऑल लोकेशन रखते हो, जहाँ पे आप कहीं भी डाउनलोड करोगे तो वो सारी चीज़ के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। सेम चीज़ आप अपनी नॉर्मल फोटो के साथ भी कर सकते हो। आप चाहो तो आपकी सारी फोटोज ऑटोमेटिकली लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी, आपको जस्ट इंपोर्ट वाला फीचर ऑन करना है। जितनी भी आप क्लिक करोगे वो सारी लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। टिप नंबर 2, अगर आप भी कोई प्राइम लेंस यूज़ करते हैं जिसका कि अपर्चर बहुत कम रहता है, जैसे 1.2, 1.4, 1.8, जैसे मैं 50mm यूज़ करता हूँ, इसमें होता क्या है ना, अगर आप किसी भी फोटो को बैकलाइट से क्लिक करोगे तो आपकी फोटो के साइड में ना एक पर्पल कलर की लाइन आ जाती है, या फिर जो एजेस होती है वो पर्पल येलो ऐसे किसी कलर की लाइन उसमें आ जाती है। इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिवेशन, एंड ये आपके लेंस की दिक्कत रहती है। बट लाइटरूम मोबाइल के अंदर आप इसको बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हो। लाइटरूम के अंदर लेंस करेक्शन का एक टैब रहता है, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे अपना कैमरा मॉडल एंड लेंस का मॉडल आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपके लेंस के अंदर जो भी दिक्कतें रहती है, जो भी प्रॉब्लम आपको फोटो क्लिक करते हुए आई है, उन सभी को आप रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आप क्रोमेटिक एब्रिवेशन को ऑफ कर सकते हो, अगर आपके लेंस में डिस्टॉर्शन आई है उसको आप सही कर सकते हो, या फिर आपके लेंस में अगर वीनियट आया साइड से तो उसको भी आप सही कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था यार ये पर्पल लाइन इसको कैसे गायब किया जाए, लेकिन ये टूल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपको ये चीज़ रिमूव करनी है। टिप नंबर 3, शार्प फोटोज हम सभी को पसंद, हम जाते हैं अपनी फोटो में बिल्कुल शार्पनेस ऐड हो। इंस्टाग्राम पे जब आप फोटो को पोस्ट करो तो उसमें मस्त एक शार्पनेस हो, लेकिन लाइटरूम के अंदर अगर आप शार्पनेस को बढ़ाते हो तो आपकी पूरी फोटो शार्प हो जाती है, जिससे कि फोटो में काफ़ी ग्रेन्स आते हैं, एंड जो एरिया आपको शार्प नहीं भी करना वो भी शार्प हो जाता है। बट डोंट वरी, लाइटरूम के अंदर मास्किंग का एक टैब है जिसके अंदर से आप इसको मास्क कर सकते हो। मतलब आप चाहते सिर्फ अपने एजेस को शार्प कर सकते हो, जो आपकी स्किन का पार्ट है, जो आपके स्काई का पार्ट है, वो आपका नॉर्मल एज इट इज़ रहेगा। देखिए, शार्पनेस को अगर आप परफेक्टली बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चलना शार्प वाले ऑप्शन के अंदर। नॉर्मली अगर आप यहाँ से शार्पनेस को बढ़ाओगे तो पूरी फोटो की शार्पनेस बढ़ जाती है, एंड स्क्रीन पे देखिए अजीब सा एक टेक्सचर एंड एक नॉइस आ जाता है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे मास्किंग का एक ऑप्शन मिलता है नीचे, देखिए ये मास्किंग का ऑप्शन है। इस पर आपको क्या करना है, आपको इसको होल्ड करना है दोनों फिंगर से, एंड ये देखिए यहाँ पे आपको एक आउटलाइन दिखाएगा। तो जिस पार्ट पे आपको शार्पनेस ज़्यादा चाहिए, आपको वो पार्ट वाइट में दिख रहा है। तो देखिए, जैसे मुझे चाहिए कि जस्ट मेरी एजेस पे शार्पनेस बढ़ जाए, तो मैं इसको बढ़ा लूँगा, जस्ट मेरी एजेस जो है वो शार्प हो जाएगी, एंड बीच का पार्ट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। सो ये देखिए बहुत ही सही तरीके से जो एजेस है उनमें शार्पनेस बढ़ी है, लेकिन बीच में नहीं बढ़ी है। तो ऐसे आपकी पूरी इमेज खराब भी नहीं होगी, एंड आपकी एजेस शार्प भी हो जाएगी। फोटो को शार्प करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एंड काफ़ी प्रोफेशनल भी लगता है। सो आप भी इसको जरूर से यूज़ कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करना चाहूँगा इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में, जो कि है वंडरशेयर पिक्सकट। इसमें आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड करना है, एंड आपकी फोटो का बैकग्राउंड ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। सो इसमें आप जितनी मर्जी मुश्किल किसी भी फोटो को डाल दीजिए, उसका बैकग्राउंड ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। एंड अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो आप इसको HD में भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरी फोटो को, तो बहुत ही सही चीज़ है। एंड नॉट ओनली दिस, आप इसमें बल्क इमेजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, टूल्स में जाके आपको मिलेगा एक बल्क इमेज रिमूवर, मतलब आप यहाँ पे बहुत सारी इमेज को अपलोड कर दीजिए एक ही बार, एंड ये सभी का बैकग्राउंड एक साथ रिमूव कर देगा। और हाँ, इसमें आपको वाटरमार्क रिमूवल टूल भी मिलता है, जैसे कुछ फोटोज में वाटरमार्क पहले से ही लगे होते हैं तो उनको भी आप रिमूव कर सकते हो इस टूल की मदद से। यहाँ पे देखिए, जैसे इस इमेज के ऊपर वाटरमार्क लिखा हुआ है तो ये इसको रिमूव करके ऐसा बना देगा। तो बहुत ही सही चीज़ है, अगर आप कहीं से इमेजेस डाउनलोड करते हो उसमें वाटरमार्क लगे होते हैं तो उनको भी आप रिमूव कर सकते हो। एंड आप सभी लोगों के लिए इसमें चल रहा है एक होली इवेंट, जिसमें कि आप जीत सकते हो बहुत ही एक्साइटिंग प्राइसेस। आपको करना क्या है, आपको जस्ट इसमें अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, एंड देन आपको वो रिकॉर्ड करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको यूट्यूब पे पोस्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे MI के प्रोडक्ट्स एंड काफी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस। इसके अलावा आप इसको अगर 15-31 मार्च तक बाय करते हैं इसका प्रीमियम प्लान, तो आप जीत सकते हैं एक MI का TV। सो जल्दी से इसको चेकआउट कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिप नंबर 4, अगर आप लाइटरूम के अंदर बहुत सारे प्रीसेट का यूज़ करना चाहते हैं, एंड आप चाहते हो कहीं से आपको डाउनलोड भी ना करना पड़े, तो लाइटरूम के अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी रहते हैं, मतलब बहुत ही सारे प्रीसेट रहते हैं, एंड सभी लोग उसमें अपलोड करते ही रहते हैं। डेली कुछ ना कुछ आपको नए प्रीसेट्स उसके अंदर मिल जाएंगे। डिस्कवर के अंदर जाके आपको यहाँ पे बहुत सारी फोटोज़ दिखती है, ये सारी फोटोज़ ऑलरेडी एडिटेड रहती है, इनमें कोई ना कोई कलर टोन पहले से ही रहती है। आप चाहो यहाँ से कोई भी फोटो को पिक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे सपोज मेरे को ये फोटो अच्छी लग रही है, एंड इसकी जो कलर टोन है ये कैसे बनी है, इसको आप यहाँ पे एडिट पे जाके देखिए, तो ये आपको सारी चीज़ें दिखाएगा एक एक करके। जो भी आपको सेटिंग्स में चेंज की गई वो सारी इसमें पता लगेंगी आपको।
यहाँ से आप इसको सेव एज ए प्रीसेट भी कर सकते हैं, तो ये आपके प्रीसेट गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड इवन आप इसकी सेटिंग को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। आपको खोलना है इसको ओपन इन एडिट में, एंड अब देखिए यहाँ से आप जाएंगे कॉपी सेटिंग्स, वापस आप अपनी किसी भी फोटो पे ये सारी सेटिंग्स को पेस्ट कर सकते हो। जैसे ये एक फोटो है, यहाँ पे देखिए पेस्ट करूँगा मैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स पे पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसके अंदर जितने भी सारे ये प्रीसेट्स आपको दिख रहे हैं इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो, एंड अपनी फोटो में एक क्लिक में इनको अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू लास्ट टिप, एंड ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले किसी भी फोटो को जब आप एडिट करोगे। सो देखिए, जब भी आप अपनी फोटो को कलर करेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब आप लाइट्स एंड शेडोज को एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता नहीं लग पाता कि कितनी लाइट को कम करना है, कितनी शेडो को बढ़ाना है। इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जब भी आप अपनी फोटो का एक्सपोजर सेट कर रहे हो तो आप जो एक्सपोजर वाला टैब है उसको डबल फिंगर से टैप कीजिए, आपके सामने एक मास्किंग वाला ऑप्शन दिख जाएगा, मतलब आपको क्लिपिंग दिख जाएगी। जो भी एरिया आपका क्लिप हो रहा है, जहाँ पे आपका रेड कलर दिख रहा होगा या व्हाइट कलर दिख रहा होगा, मतलब वो आपका ओवर एक्सपोज है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी फोटो में कोई भी पार्ट ऐसे व्हाइट या रेड ना दिख रहा हो। अगर आपका कोई पार्ट ऐसा दिख रहा हो तो मतलब वो ओवर एक्सपोज है। सिमिलरली शेडोज़ के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर आपका कोई भी पार्ट अंडर एक्सपोज है तो आप दोनों फिंगर से टैप कीजिए, एंड फिर देखिए आपको कितनी शेडो बढ़ानी चाहिए। या व्हाइट्स एंड ब्लैक के साथ भी कर सकते हो। सो काफ़ी यूजफुल चीज़ है, इससे आपकी फोटो में बैलेंस एक लाइट का बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप पहले ही पता थे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर आपको कोई नई टिप पता है जो मैंने नहीं कवर की तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि सारे लोग देख पाएं उस चीज़ को। सो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।